हेलो मेरे भाई लोग, कैसे हो? आई होप सब बढ़िया होगे। देखो, मैं प्रैक्टिकल बेस ऑफ अकाउंटिंग में आपको बताऊंगा। मैं आपको वो नहीं बता सकता कि व्हाट इज़ अकाउंटिंग, व्हाट इज़ बुक कीपिंग या कितने टाइप्स के अकाउंटिंग होते हैं, वो सब मैं आपको नहीं बता सकता। जो मेरे को जो नॉलेज है वो मैं आपको बताऊँगा और आप लोग आई होप आपको वो समझ में भी आएगा। तो देखते हैं, आज मैं आपको जो टैली जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, देखो वो जो बना हुआ, उससे रिलेटेड मैं आपको बताऊंगा। टैली में कंपनी कैसे क्रिएट किया जाता है वो मैं आपको बताऊंगा। तो लगे रहो, ठीक है। अब सबसे पहले टैली में जाएंगे हम, इसे क्लिक करेंगे। देखो थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा है, बट ठीक है, जो टैली का जो वो आ रहा है उसको हमने क्लिक करा, ठीक है। अब टैली खुल रहा है। अब लेकिन इसमें थोड़ा एक वो है कि भाई हमारा एजुकेशन बोर्ड में खुलेगा, क्योंकि ना तो हमने अभी प्रीमियम लिया है ना कुछ है। तो हम एजुकेशन मोड में ये होता है कि तुम एंट्रीज तुम मार सकते हो, बट एक तारीख में एंट्री मार सकते हो या 31 तारीख में। जैसे 1 अप्रैल है तो 1 अप्रैल या 30 अप्रैल ऐसे मार सकते हो, मतलब बीच में डेट में नहीं मार सकते। देखो आ गया ना कंटिन्यूइंग एजुकेशन मोड, तो इसमें हम क्लिक करेंगे, ठीक है। रुके रहो, अब देखो यहाँ पर आ गया क्रिएट कंपनी लिखा हुआ, आ गया क्रिएट कंपनी, इसमें हम गए, इसको हमने क्लिक करा। इसे क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, आप देख सकते हो ऊपर लिखा है कंपनी डाटा पाथ, सी यूज़र पब्लिक टैली प्राइम डाटा, जो ये लिखा है ये पाथ है जो हम टैली जो हम कंपनी बनाएंगे, ये तुम्हारा डाटा कहाँ जाके सेव हुआ वो इसका पाथ है। या तो इसको फ़ोटो खींच लो या हम बाद में भी वो कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं ढूंढ सकते हो वो अभी बताऊँगा। तो कंपनी का नेम लिख दो, कुछ भी लिख दो जो भी तुम्हारे मन में है, क्योंकि एक नॉलेज के लिए बना रहे हैं। तो हमने XYZ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लिख दिया, ठीक है। अपने आप मेलिंग में आ जाएगा। उसके बाद एड्रेस, एड्रेस कुछ भी डाल दो, जैसे कि मैंने ये डाला R25/022, ये कुछ भी डाल दो, क्योंकि हमें एक नॉलेज के लिए चाहिए ना कि हमें कैसे वो करना है। एड्रेस डाल दिया, स्टेट जैसे दिल्ली है तो दिल्ली डाल दो, जिसका UPI डाल दो। पिन कोड डाल दो, जो जिस फॉर्म का पिन कोड है वो डालना है, जो फॉर्म का है, जो फॉर्म जहाँ पे है, ठीक है। टेलीफोन, मोबाइल नंबर, मेल आईडी सब डाल दो, ठीक है। मेल आईडी डाल दो। थोड़ी सी आपको थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा वीडियो देखने में, आई एम रियली सॉरी, धीरे धीरे करूँगा यार, फर्स्ट पहला वीडियो है मेरा, थोड़ा कॉर्पोरेट कर लो यार मेरे भाई लोग। ये आ गया तुम्हारा फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम, कहाँ से तुम स्टार्ट करोगे जो क्रिएट कर रहे हो कंपनी डाटा। जैसे मैं 1 अप्रैल 23 से कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसको एंटर मार देंगे, यहाँ पे आएगा, फिर इसको क्लिक करेंगे, फिर तुम्हारा एक्सेप्ट हो गया, एक्सेप्ट का ऑप्शन आ गया, इसको यस कर देंगे। यस के लिए या वाई दबा दो या एंटर मार दो। अब उसके बाद ये आ गया कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे इसमें फीचर्स होते हैं, वो तुम्हें अगर देना चाहो तो यस कर दो, नहीं देना चाहो तो नो कर दो। अब जैसे इसमें सबसे पहले लिखा है सो मोर फीचर्स, लिखा है ना देखो सबसे ऊपर, हाँ ये, तो इसको यस कर दे। इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे कि मेंटेन अकाउंट, हमें मेंटेन करनी है, कोई बिल वाइज एंट्री मारना हो, सीरियल वाइज जो होती है उसके लिए यस कर दो। इन्वेंट्री जो स्टॉक वगैरह अगर तुम मेंटेन करते हो उसके लिए यस कर दो। ये तो कंपनी पे ऊपर निर्भर करता है कि भाई वो किस टाइप की कंपनी है। स्टॉक का काम होता होगा, जैसे सर्विसेज में स्टॉक का काम नहीं होता तो नो करेंगे। कुछ जैसे GST का उसमें यस कर दिया, तो ये तुम्हारी पूरी डिटेल आ गई। अब यहाँ पे एप्लीकेबल GST, अब यहाँ पे GST नंबर डालना पड़ेगा जो फॉर्म का है, जो XYZ जो भी हमने बनाया था इस फॉर्म का GST नंबर है तो डालना पड़ेगा। जब नहीं है तो यहाँ पे इनवैलिड लिखा हुआ आ गया, बट ये सारी मैंडेटरीज हैं, ये डालना पड़ेगा इसमें। जैसे सेट ऑल्टर ये सब करना पड़ेगा, एडवांस ये नीचे सबसे नीचे आ रहा, प्रोवाइड LUT बोन्स इनेबल्स, ये नीचे LUT मतलब लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। अगर तुम्हारा कोई, अगर तुम एक्सपोर्ट बिजनेस कर रहे हो, एक्सपोर्ट या सर्विस है कुछ, तो उसको हम यस करते हैं। तो ये सब है TDS वगैरह जो भी तुम्हारे रिलेटेड है उसे यस कर दो, जो नहीं है वो नो कर दो। इसको बाद में हम चेंज भी कर सकते हैं। तो ये अब तुम्हारा आ गया ये कंपनी का डाटा, ये खुला हुआ, तुम्हारी कंपनी बन चुकी है, क्रिएट हो चुकी है,
ठीक है, ये तुम्हारा कंपनी का डाटा आ गया। अब क्या होता है कि ये तो आ गया, बट हमें ये भी देखना है कि जो ये डाटा है, अगर मैं किसी को मेल करना चाहूँ, हाँ किसी को मेल करना चाहूँ तो कैसे होएगा। अब ये डाटा कहाँ पे है ये तो पता नहीं, ये तो डाटा खुल गया ना, अब कहाँ पे है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि डाटा पाथ सी यूज़र्स, और सी में जाना था, फिर यूज़र, फिर टेलीप्राइम, ऐसे कुछ था। अगर आपको नहीं पता तो आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो। ये डाटा वाई में ये नीचे आ रहा है, थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा है, रुको सही से करता हूँ। डाटा पाथ, ये डाटा पाथ आ गया, इसको क्लिक करो तो यहाँ पे आपको बता देगा। देखो ये बता रहा है सी यूज़र्स पब्लिक टेलीप्राइम फिर डाटा, ये कह रहा है। तो हम वहीं पे जा रहे हैं। ये गए हम सी में गए, फिर कहाँ था, फिर प्रोग्राम फाइल, फिर उसके बाद टेलीप्राइम। शायद कुछ गलती कर रहा हूँ यार, डाटा पाथ शायद कहीं और था। हाँ गलती कर रहा हूँ ना, देखो यहाँ पे है नहीं ना। एक सेकंड दोबारा देख लेता हूँ कहाँ था, अभी एक सेकंड रुक जाओ बस। सी में था, फिर यूज़र था मे भी शायद, हाँ यूज़र यहाँ आ गया ना पब्लिक, उसके बाद ये आ गया टेलीप्राइम। ये 3-4 का डाटा है ना, ये मैंने अभी बनाया है 3-4 का डाटा, ये डाटा आ गया। ये तुम्हारा डाटा है, डाटा का पाथ यहाँ पे आके सेव है, ठीक है। ये देखो तुम डेट भी देख सकते हो, 3-4-11-33-11-23 जो भी होता। देखो ये डाटा आ गया, अब इसको तुम कॉपी करके किसी को भेज भी सकते हो, डाटा वही है, ठीक है। तो देखो मैं भी, मेरे को भी इतनी अकाउंटिंग की नॉलेज नहीं है, बट मेरे को प्रैक्टिकल नॉलेज है। जैसे मेरे को एक्सेल्स और तुम्हारी जीएसटी, ये टैली वैली की एंट्रीज की मुझे नॉलेज है। जो भी नॉलेज है मैं आपको बताऊंगा कि भाई कैसे एंट्रीज लगानी है, सेल के बिल, परचेज है ना, स्टॉक मेंटेन, ये सब चीज़ मैं आपको बताता रहूँगा कैसे वो करना है। आप भी मेरे को कमेंट में कुछ भी क्वेरीज हों वो आप मेरे को पूछ लेना, उससे रिलेटेड मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगा, ठीक है। तो बस आप लोग ये मत पूछना कि ट्रेड पेबल क्या होता है, या बहुत सारी जो चीज़ें हैं, फिक्स असेट्स क्या होते हैं, ये मेरे को नॉलेज है, बट मेरे को उतनी लेवल की मेरे को नॉलेज नहीं है, जितना होना चाहिए उतनी लेवल को मेरे को नहीं है। बस मेरे को प्रैक्टिकल बेस्ड ऑफ नॉलेज मेरे को बहुत है। देखो मैं भी एज एन अकाउंटेंट मैं काम कर रहा हूँ, कौन से कंपनी का मैं काम कर रहा हूँ नहीं बता सकता, बट मैं काम कर रहा हूँ और ठीक ठाक सैलरी है। तो जो भी मेरे को नॉलेज हो मैं आपको बताता रहूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कौन सी नई वीडियो लानी है आप ज़रूर बताओ, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनानी है ज़रूर बताना, ठीक है। ओके बाय बाय।